गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फैंटेसी दंगल एप्लीकेशन से पैसा पेटीएम या बैंक अकाउंट में कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। गाइस, मेरा नाम है एसके शर्मा और आप देख रहे हैं एसके टेक टिप्स यूट्यूब चैनल। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ओपन कर लीजिए फैंटेसी दंगल एप्लीकेशन को इससे पैसा विड्रॉ करने के लिए। कैसे फैंटेसी दंगल एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आएगी। इसके बाद आप प्रोफाइल इसके ऊपर आप टाइप कीजिए। इसके ऊपर टाइप करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद आप फर्स्ट नंबर पर आप माई बैलेंस इसके ऊपर आप टाइप कीजिए। गाइस, इसके ऊपर टाइप करने के बाद गाइस कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद आप नीचे की तरफ कीजिए। नीचे गाइस आपको ऑप्शन देखने को मिलेगी विड्रॉवल्स की और केवाईसी की। तो गाइस, विड्रॉ करने से पहले आपको इसकी केवाईसी करनी पड़ती है। केवाईसी करने के लिए आप केवाईसी इसकी राइट साइड में इसके ऊपर आप टाइप कीजिए। गाइस, इसके ऊपर टाइप करने के बाद गाइस कुछ इस तरह से आएगी। इसमें आपको ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले इसमें आप ईमेल आईडी को एंटर कीजिए। इसके बाद वेरीफाई इसके ऊपर आप टाइप कीजिए। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को आपको इसमें एंटर करना है। इसके बाद ये वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद आप पैन इसके ऊपर आप टाइप कीजिए। इसके ऊपर टाइप करने के बाद कुछ इस तरह से आएगी। इसके बाद आप इसके ऊपर टाइप कीजिए। इसके बाद आप अपनी पैन कार्ड की फ़ोटो खींच के इसमें आप अपलोड कर दीजिए। इसके बाद गाइस नीचे जो भी आपकी पैन कार्ड पे नेम है उस नेम को इसमें आप टाइप कर दीजिए। इसके बाद गाइस नीचे जो भी आपकी पैन कार्ड की नंबर है उसको इसमें आप टाइप कर दीजिए। इसके बाद गाइस नीचे जो भी आपकी पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है उसको इसमें आप टाइप कर दीजिए। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन आएगी। स्टेट इसके ऊपर आप टाइप कीजिए और जो भी आपकी स्टेट है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नीचे सबमिट फॉर वेरिफिकेशन इसके ऊपर आप टाइप कर दीजिए। इसके बाद 48 घंटे की टाइम लग सकती है इसकी वेरीफाई होने में। इसके बाद ये वेरीफाई हो जाएगी। जैसे ही गाइस ये आपकी वेरीफाई हो जाएगी इसके बाद विड्रॉ करने के लिए इसके ऊपर आप टाइप कीजिए। इसके ऊपर टाइप करने के बाद गाइस कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद नीचे विड्रॉ इसके ऊपर आप टाइप कीजिए। इसके ऊपर टाइप करने के बाद गाइस कुछ इस तरह से आएगी। इसके बाद जिस बैंक अकाउंट में आप पैसा को विड्रॉ करना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट की डिटेल इसके ऊपर आप टाइप करके और इसमें आप एंटर कर दीजिए। इसके बाद के जिससे आप पैसा को आसानी से विड्रॉ आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।